बोर व्हीलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजन की बोर व्हीलर थ्योरी को समझेंगे 1939 में बोर और व्हीलर ने न्यूक्लियस के लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर न्यूक्लियर फिजन को समझाया उन्होंने न्यूक्लियस को चार लिक्विड ड्रॉप माना जो कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने पर डिफॉर्म हो सकता था यह फोर्स इंसिडेंट न्यूट्रॉन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस से कंबाइन कर कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करता है और इस कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी काफी ज्यादा होती है कंपाउंड न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी होगी कानिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी इन द कंपाउंड न्यूक्लियस यदि यह टोटल एनर्जी थ्रेशोल एनर्जी के बराबर हो जाए तो न्यूक्लियस में फिजन प्रोसेस होती है इस फिजन प्रोसेस को डायग्रामेटिकली स्क्रीन पर दिखाया गया है तो स्क्रीन पर आप फिजन प्रोसेस को देख रहे हैं यहां पे पांच स्टेज हैं स्टेज वन स्फेरिकल स्टेज टू एलिप्सॉइडल स्टेज थ्री नैरोइंग स्टेज डी क्रिटिकल स्टेज और स्टेज ई सेपरेशन अब इन स्टेजेस को हम समझते हैं जब किसी न्यूक्लियस पर फिजन होता है तो न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस से कंबाइन कर कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करता है स्टेज ए कंपाउंड न्यूक्लियस की स्टेज है इस कंपाउंड न्यूक्लियस के पास बहुत अधिक एनर्जी होती है जो कि इंसिडेंट न्यूट्रॉन द्वारा सप्लाई की गई है इस कंपाउंड न्यूक्लियस की कुछ एनर्जी न्यूट्रॉन की कानिक एनर्जी के कारण होती है वह अधिकतर एनर्जी इंसिडेंट न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के कारण होती है इस एनर्जी के कारण कंपाउंड न्यूक्लियस में रैपिड ऑसिलेशन होने लगते हैं और इन ऑसुलेशन के कारण कंपाउंड न्यूक्लियस इलिप्सॉइडल शेप ले लेता है इसे स्टेज बी द्वारा दिखाया गया है जब ऑसुलेशन और वॉयलेंट हो जाएं, तो स्टेज सी आती है और कुछ देर बाद स्टेज डी प्राप्त हो जाती है स्टेज डी के दोनों पोर्शंस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और हमें फाइनल फिजन प्रोडक्ट मिलता है जो कि स्टेज ई द्वारा दिखाया गया है जब न्यूट्रॉन द्वारा सप्लाई की गई एनर्जी क्रिटिकल एनर्जी के बराबर होती है तो स्टेज डी मिलेगी स्टेज डी में आने के बाद न्यूक्लियस स्टेज ए में वापस नहीं जा सकता क्योंकि कूलम रिपल्शन फोर्स बढ़ जाते हैं डिफरेंट स्टेज में ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी को डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन के फंक्शन के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है इसे दोनों फिजन फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन डिस्टेंस आर के अंगेस्ट प्लॉट किया गया है और यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि फिजन प्रोसेस की रिजर्व प्रोसेस को समझें जब दो फ्रेगमेंट्स एक दूसरे को टच करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा और दोनों स्फीयर कोलेप्स होंगे अब दो केस होंगे केस वन जब कंपाउंड न्यूक्लियर सिस्टम स्फेरिकल शेप लेगा तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी और केस टू सिस्टम के स्फेरिकल शेप लेते समय पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी केस वन में हमें स्पॉन्टेनियस फिजन मिलेगा केस टू से फिजन तब होगा जब सिस्टम को कुछ एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए फिजन प्रोसेस में रिलीज एनर्जी ई बैरियर हाइट ईवी के बराबर होती है बोर और व्हीलर ने एज्यूम किया कि फिजनिंग न्यूक्लियस का शेप इलिप्सॉइडल है और इसी के बेसिस पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व के शेप को कैलकुलेट किया यदि अनडिफॉर्म न्यूक्लियस का रेडियस आर जीरो है व जिस एक्सिस में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में रेडियस आर थीटा है जो कि एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो आर थीटा को एक्सप्रेस किया जा सकता है आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट पर वन प्लस सिग्मा बी एल पी एल पीएल कॉस थीटा एसोसिएटेड रिजेंडरी पॉलीनोमियल है एल इज इक्वल टू जीरो से आशा है स्फेरिकल शेप यानी नो डिफॉर्मेशन एल इज इक्वल टू वन से आशा है स्फेरिकल शेप में ट्रांजिशन हो रहा है एल इज इक्वल टू टू से आशा है इल्प डिफॉर्मेशन जेंड्री पॉलिन्यूमल को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा जा सकता है आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट पे वन प्लस बी टू पी टू थीटा प्लस सो ऑन जहां बी टू बी थ्री डिफॉर्मेशन पैरामीटर्स हैं। स्फेरिकल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी है ई s इज इक्वल टू फोर पाई आर जीरो स्क्वायर टाउ जहां टाउ सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है सरफेस एनर्जी ऑफ डिफॉर्म ड्रॉप होगी यानी कि एलिप्सॉडल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी होगी ई एस इज इक्वल टू फोर पाई आर जीरो स्क्वायर टाउ वन प्लस बी टू पी टू कॉस थीटा प्लस सो ऑन उस ब्रैकेट में स्क्वायर इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है ई एस इज इक्वल टू फोर पाई आर जीरो स्क्वायर ए टू बाई थ्री टाउ इन ब्रैकेट वन प्लस टू अपॉन फाइव बी टू स्क्वायर प्लस सो वन जहां आर जीरो एम्पेरिकल रेडियस की वैल्यू है जो कि 1.37 क्रॉस 10 टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर है ए कंपाउंड न्यूक्लियस का मास नंबर है स्पेरिकल ड्रॉप की कुलम एनर्जी होगी ई सी इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव जेड ई होल स्क्वायर अपॉन आर जीरो तो डिफॉर्म ड्रॉप यानी कि इलेप्सोडल ड्रॉप की कुलम एनर्जी होगी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सॉल्व करेंगे तो निकलेगा इसी इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव जेड यू होल स्क्वायर अपॉन आर जीरो ए वन बाई थ्री वन माइनस वन अपॉन फाइव बी टू स्क्वायर एंड सो ऑन तो अब हम देखते हैं टोटल डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या होगी टोटल डिफॉर्मेशन एनर्जी ई टी है ई टी इज इक्वल टू ईएस प्लस ई सी ई तो एस और EC की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमको टोटल डिफॉर्मेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी अनडिफॉर्म स्टेट की टोटल एनर्जी है ई प्लस ईसीओ अतः डिफॉर्मेशन के कारण एनर्जी चेंज होगा डेल ई इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में ई एस प्लस EC माइनस सेकेंड ब्रैकेट में ई एस ओ प्लस ई इसी को सॉल्व किया तो हमको मिला डेल ई इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव बी टू स्क्वायर टू ई एस ओ माइनस ई तो डिफॉर्मेशन के कारण चेंज इन एनर्जी है डेल ई इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव बी टू स्क्वायर टू ई माइनस ई सी ओ जब टू ई एस ओ माइनस ई सी ओ पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा जब टू ई एस ओ माइनस ई सी ओ नेगेटिव होगा तो न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस फिजन के लिए अनस्टेबल होगा और जब टू ईएसओ माइनस ईसीओ जीरो होगा तब न्यूक्लियस क्रिटिकल स्टेज में होगा तो जब टू ईएसओ माइनस ईसीओ जीरो होगा तब न्यूक्लियस क्रिटिकल स्टेट में होगा यानी कि टू ईएसओ माइनस ईसीओक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टू ईएसओ इज इक्वल टू ईसी इस इक्वेशन में ई एसओ व ई सीओ की वैल्यू रखने पर हमको मिलता है टू फोर पाई आर जीरो स्क्वायर टी इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव जेड ई होल स्क्वायर अपॉन आर जीरो इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमको मिला जेड स्क्वायर अपॉन ए क्रिटिकल इज इक्वल टू फोर्टी अपॉन थ्री पाई आर जीरो क्यूब टी अपॉन ई स्क्वायर ये करीब करीब फिफ्टी आ रहा है यानी कि जेड स्क्वायर अपॉन ए क्रिटिकल इज इक्वल टू फिफ्टी फिजनेबिलिटी पैरामीटर क्रिटिकल जब काई वन से ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस स्पॉन्टीनियस फिजन के लिए अनस्टेबल होगा जब काई वन से कम होगा तो न्यूक्लियस स्पॉन्टीनियस फिजन के लिए स्टेबल तो है फिजन के लिए एक्साइटेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी क्रिटिकल शेप में लाने के लिए न्यूक्लियस को एनर्जी देनी होगी उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी या क्रिटिकल एनर्जी जो कि होगा ई ई एक्स इज इकल टू तो फोर पाई आर जीरो स्क्वायर टाउ एफ एक्स इस एक्साइटेशन एनर्जी ई एक्स को ग्राफ में दिखाया गया है यह एक्साइटेशन एनर्जी न्यूट्रॉन के द्वारा सप्लाई की जाएगी बैरियर हाइट को ओवरकम करने के बाद कंपाउंड न्यूक्लियस सिस्टम डिसेंड कर जाएगा और लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा इसके बाद फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे जब कंपाउंड न्यूक्लियस का मास फ्रेगमेंट के मास के सम से ज्यादा होता है तो फिजन प्रोसेस होगी वह मास डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अब हम देखते हैं कि यूरेनियम 236 और यूरेनियम टू थर्टी फाइव न्यूक्लियस में कौन सा न्यूक्लियस सोलो न्यूट्रॉन से फिजेंट होगा यूरेनियम टू थर्टी सिक्स के लिए एक्साइटेशन एनर्जी है सिक्स पॉइंट नाइन एमईवी और यूरेनियम टू थर्टी एट के लिए सेवन पॉइंट थ्री एम इसका मतलब हुआ कि फिजन प्रोसेस के लिए यूरेनियम टू थर्टी एट न्यूक्लियस को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू यूरेनियम टू थर्टी सिक्स न्यूक्लियस एक्साइटेशन एनर्जी न्यूट्रॉन की कानटिक एनर्जी व बाइंडिंग एनर्जी का टोटल होगी यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के केस में न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 6.8 पॉइंट है यूरेनियम 238 न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 5.9 पॉइंट है यूरेनियम 235 में फिजन के लिए आवश्यक एक्साइटेशन 6.9 पॉइंट एम ई वी में सिक्स पॉइंट एट एम ई वी एनर्जी न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के रूप में मिलती है आप फिर से देखें यूरेनियम टू थर्टी फाइव में फिजन के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी सिक्स पॉइंट नाइन एम ई वी चाहिए उसमें से सिक्स पॉइंट एट एम ई वी एनर्जी तो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के रूप में मिल जाती है जबकि यूरेनियम टू थर्टी एच न्यूक्लियस के लिए जो आवश्यक एक्साइटेशन एनर्जी है सेवन पॉइंट थ्री एम इसमें से फाइव पॉइंट नाइन एम एनर्जी न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के रूप में मिलती है इसका मतलब यह हुआ कि यूरेनियम टू थर्टी एस न्यूक्लियस में फिजन के लिए न्यूट्रॉन की कानेटिक एनर्जी वन पॉइंट फोर एम से ज्यादा होना चाहिए यूरेनियम टू थर्टी एट न्यूक्लियस में जब हम फिजन करेंगे तो जो न्यूट्रॉन टकराएगा उसकी कैनेटिक एनर्जी 1.4 MeV से ज्यादा होना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स में भी हमको यही मिलता है कि जो एनर्जी है वो 1.1 पॉइंट मिली इसका प्रमुख कारण यह है कि यूरेनियम 235 न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स और 143 न्यूट्रॉन्स हैं और यह इवन ऑर्ड नंबर है थ्योरी भी बताती है कि ऑर्ड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में फिजन ज्यादा आसानी से होता है एज कंपेर टू इवन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस ऑर्ड ए न्यूक्लियस में थर्मल फिजन के कारण जो इवन इवन न्यूक्लियस फॉर्म होता है वह ग्राउंड स्टेट में ज्यादा लाइटली बाउंड होता है एज कंपेयर टू रिजल्टिंग इवन ऑर्ड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन कैप्चर के कारण एक्साइटेशन एनर्जी मिलती है जिस कारण से फिजन होता है इस कारण से इवन प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई में थर्मल न्यूट्रॉन के कारण फिजन होगा इवन प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में थर्मल न्यूट्रॉन के कारण फिजन होता है जबकि इवन इवन न्यूक्लियस में फिजन के लिए फास्ट न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी इवन इवन न्यूक्लियस में जब हम फिजन कराएंगे उस समय हमको फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इस वीडियो में हमने वोड व्हीलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन को देखा यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करें थैंक यू धन्यवाद